एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी गुजरो उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये लो डंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम क्या, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। हाँ, ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? हे, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुरवा, हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, मैं थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, नहीं साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेरा पड़ा इतना मजा आएगा। कपड़े धो दो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई बदला मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या चाचा भी काम कर? क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घुंगरा है, घाघरा, घुंगरा घुंगरा घुंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना, जाके कपड़े दो। कैसी गिल्ली कर रहा है मेरी? ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे पहुंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाड़ डालेंगे। हाँ,